बायो एजेंट्स के इस्तेमाल से भी हम गन्ने में रोग प्रबंधन कर सकते हैं, तो उन बायो एजेंट्स के बारे में हमें बताइए। जी, अगर आप देखें तो ये जैसे ट्राइकोग्रामा की मैं बात कर रहा था, ट्राइकोग्रामा कार्ड, तो ये इस तरह के कार्ड्स होते हैं। अब इनमें टुकड़े बना करके इसके टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े बना करके एक में जैसे आप देखें 20 टुकड़े बन जाएंगे तो इसको खेत में आप लगा सकते हैं। कितनी कितनी दूरी पर लगाना सही रहता है? 10-10 मीटर की दूरी पर आप लगाते हैं, 8-10 मीटर की दूरी पर आप लगाते चले जाइए। तो इनमें से कीड़े निकल करके बोरर्स के जो अंडे हैं उनको ये कीड़े सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद उनको वो पैरासिटाइज करते हैं और उनको किल कर देते हैं। तो इस तरह से आप बिना किसी दवा के इन कीड़ों से ही कीड़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, तो इसका प्रयोग करें। और इसी तरह से जैसे अगर इल्ली की अवस्था बन गई तो इल्ली की अवस्था के लिए स्टेनोब्रोकॉन नेवेनाइसविल है, ये एक एक प्रकार का कीट है, इन कीड़ों को खेतों में छोड़ते हैं। ये टॉप बोरर के लिए है, विशेष रूप से टॉप बोरर को ज़्यादा करता है, अन्य बोरर पर भी इसका रिपोर्ट है। तो इसको भी खेत में डाल दें, इसका मुश्किल से 100-200 कीड़े भी अगर डाल देते तो एक हेक्टेयर के लिए काफ़ी रहता है। और ये इन कीड़ों की खासियत ये है कि एक बार अगर खेत में आपने डाल दिया तो ये उसी में मल्टीप्लाई करते रहते हैं, सेल्फ परपेचुएटिंग होते हैं, जो मल्टीप्लाई करते रहते हैं, नहीं डालने पड़ेंगे। पेस्टिसाइड में क्या होता है, बार बार आप पेस्टिसाइड डालते हैं, इसमें क्या है कि बार बार डालने की जरूरत नहीं, एक बार आपने डाल दिया तो वो बार बार निरंतर चलता रहता है। इसी तरह से रैकोनोटस है, ये भी एक कीड़ा है जो कि इन बोरर्स पे काम आता है। इसी तरह ये आइसोटीमा जेवेंसिस है, ये भी एक कीट है जो कि इन बोरर्स को कंट्रोल करता है। पोटेशिया है, ये लगभग सारे बोरर्स को कंट्रोल करता है ये वाला कीड़ा। ये उसके कोकून है, इसको खेत में 500 कोकून अगर डाल दें एक हेक्टेयर के लिए काफ़ी रहता है। और इसी तरह से ये एक प्यूपा जो हमारे लार्वे हैं वो बाद में प्यूपा में बदल जाते हैं, तो प्यूपा के लिए ये कोटेसिया है, ये कीड़ा भी खेत में अगर डाल दें तो कंट्रोल करता है। पायरिला के बारे में जो सकिंग पेस्ट है वो भी कभी कभी प्रकोप इसका होता है, तो ये इसके लिए इपिरिकेनिया के ये कोकून्स हैं। इपिरिकेनिया जो उसको प्रेडेटर है, जो उसके ऊपर खाता है, तो इपिरिकेनिया के ये कोकून्स को खेत में डाल सकते हैं। 4,000 से 5,000 कोकून अगर खेत में हम डाल दें तो ये कंट्रोल कर लेते हैं। तो कुछ ऐसे बायोएजेंट्स और भी हैं, कई बायोएजेंट्स जो कि खेत में एक्टिव रहते हैं, तो हमें बस ये समझने की ज़रूरत है कि हम पेस्टिसाइड्स का प्रयोग अगर समझदारी से करें या ना करें। तो गन्ना एक ऐसा फसल है जो सेमी पेरिनियल टाइप क्रॉप है, ऑलवेज खेत में अवेलेबल रहता गन्ना, तो चूँकि पेस्ट है तो उसके पैरासाइट और प्रेडेटर भी बायो एजेंट्स भी खेत में बने रहते हैं। तो हमें पेस्टिसाइड का अगर सही से प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं तो इनकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है और अपने आप वो निरंतर कंट्रोल करते रहते हैं, किसी प्रकार की दवा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपने जितने भी ये बोरर्स बताए हैं हमें, टॉप बोरर वगैरह, ये सब पिंक बोरर, तो इनमें से सबसे खतरनाक जो नुकसान ज़्यादा जो क्षति हमारे इस नॉर्दर्न पार्ट में ज़्यादा क्षति टॉप बोरर से ही आकी जाती है। कभी कभी ये 30-35% तक भी क्षति कर देता है गन्ने में, और इसमें मुख्य बात यह है कि बढ़वार को ही रोक देता है। शुरुआती अवस्था में अगर इसका प्रकोप होता है तो शुरू में ही इतना डैमेज हो जाता है कि गन्ना बढ़ने ही नहीं पाता है, तो इसलिए इसका प्रकोप ज़्यादा। सही समय पे अगर सही दवा का सही तरीके का इस्तेमाल किया जाए तो इसको हम रोक सकते हैं। बिल्कुल।